नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन होना चाहिए या नहीं। भारत के युवाओं में इन दिनों क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा क्रेज है। क्रिप्टो मार्केट में जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उससे ये समझ में आता है कि देश में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अब तक हालांकि सही पता नहीं लग पाया है कि देश में कितने लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसमें कितनी रकम शामिल है। शायद हर 10 में से एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहा है। लोग रातों रात अमीर बनने की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, इसीलिए हर रोज अधिक से अधिक लोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में गर्ग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था देश में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज साल 2019 से बढ़ा है। गर्ग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक कानून बनाकर देश में सभी निजी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। संसद में बिल जल्द। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर संसद में जल्द ही कानून लाने की बात कर रही है। समझा जा रहा है कि इस कानून के जरिए देश में जहां निजी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात की जा सकती है। इसके साथ ही संसद में पेश होने वाले क्रिप्टो करेंसी बिल में क्रिप्टो करेंसी की तकनीक और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कुछ फैसले भी किए जा सकते हैं। क्रिप्टो पर प्रतिबंध की वजह। गर्ग कमेटी ने कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की वजह से तकनीकी कानूनी जोखिम पैदा हो सकते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के पीछे कुछ प्रमुख वजह इस प्रकार है। निवेशकों के लिए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा जोखिम है। क्रिप्टो करेंसी के भाव में रोजाना तेज उतार चढ़ाव दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही इसकी कोई सोवरन गारंटी नहीं है। अगर प्राइवेट की गुम हो जाती है तो क्रिप्टो वॉलेट का एक्सेस खत्म हो सकता है। भारत में क्रिप्टो पर क्यों लगे बैन। क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग क्रिमिनल एक्टिविटी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी में बेचने और खरीदने वाले के नाम का खुलासा नहीं होता, इसीलिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी खरीद बिक्री पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, इसीलिए इसकी मांग और आपूर्ति से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसके साथ ही ऊर्जा के उपयोग पर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से काफी असर पड़ सकता है। बैन पर हो बहस। संसद में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रस्तावित बैन के मसले पर बहस की जा सकती है और पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत सरकार हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के बारे में सोच सकती है और ये देख सकती है कि कैसे उसका उपयोग कर पब्लिक की भलाई के लिए काम किया जा सके। क्रिप्टो को एसेट मानने के नुकसान। अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को एक संपत्ति के रूप में रखने की इजाजत दी जाती है तो इससे भी देश में बड़ी समस्या पैदा होने की आशंका है। इसका मतलब लोगों को जुआ और तुरंत कमाई के लिए प्रोत्साहित करना हो सकता है। इस तरह का कोई भी नियम क्रिप्टो करेंसी को देश में कानूनी मान्यता देने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और देश में क्रिप्टो के कारोबार में तेजी आने की आशंका है। क्रिप्टो करेंसी बिल। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर लगा बैन तो देश की 8% आबादी को लगेगा तगड़ा झटका। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 8% आबादी ने कई तरह के डिजिटल मुद्राओं में निवेश किया हुआ है। ऐसे में अगर सरकार डिजिटल मुद्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाती है तो इन निवेशकों को तगड़ा झटका लगेगा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों में क्रिप्टो बिल की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अगर भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया तो उन लोगों का क्या होगा जो इसमें भारी भरकम निवेश कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के लगभग 8% आबादी ने कई तरह की डिजिटल मुद्राओं में निवेश किया हुआ है। 70,000 करोड़ रुपए दांव पर लगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो भारत की आबादी का लगभग 8% है। इन निवेशकों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए वर्तमान में दुनिया भर में प्रचलित कई तरह की डिजिटल करेंसी में लगाए हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार भारत में क्रिप्टो पर बैन लगाने का फैसला करती है तो दांव 70,000 करोड़ रुपए लगा चुके भारतीय निवेशकों के लिए तगड़ा झटका होगा। बता दें कि 2009 में लॉन्च किए जाने के बाद साल 2013 तक क्रिप्टो करेंसी चलन में है। हालांकि दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा अभी भी बिटकॉइन बनी हुई है और इसके बाद इथेरियम का नंबर आता है। क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा तैयार। गौरतलब है कि भारत सरकार ने शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा तैयार कर लिया है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाली है।
केंद्र सरकार इस शीतकालीन सत्र में 26 नए बिल को पेश करेगी, जिसमें 3 अध्यादेश भी शामिल हैं। मंगलवार शाम को शीतकालीन सत्र के लिए जारी लेजिस्लेटिव एजेंडा से ये जानकारी मिली है। इसमें सबसे ज्यादा नजरें क्रिप्टो करेंसी बिल पर टिकी हुई है। हालांकि सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगी या फिर कुछ शर्तों के साथ इसकी ट्रेडिंग की इजाजत मिलती है, ये तो बिल आने के बाद ही साफ हो सकेगा। बैन लगने के फैसले का ये होगा असर। जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कहा है कि अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिल द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के तहत भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो बिटकॉइन समेत दूसरी सभी डिजिटल मुद्राओं निवेश करने वालों के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर सरकार के द्वारा क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाता है तो इसके बाद बैंक और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें भुना पाएंगे। भारत सरकार जल्द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल लाने वाली है। इस बिल को इस बार शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल के जरिए ऑफिशियली डिजिटल करेंसी जारी करने का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी और इसके यूज को प्रमोट करने के लिए कुछ छूट भी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो को करेंसी न मानकर इसे शेयर, गोल्ड या बॉन्ड की तरह एसेट मान सकती है। क्रिप्टो में कितने लोगों ने इसमें रुपये लगा रखे हैं, इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 मिलियन से 20 मिलियन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है। इन सभी की क्रिप्टो होल्डिंग लगभग 40,000 करोड़ रुपए की है। भारत में क्रिप्टो बैन होने के बाद इन्वेस्टर्स के पास 2 प्राइमरी ऑप्शंस बचेंगे। इन्वेस्टर्स अपनी करेंसी को बेच सकते हैं या वो क्रिप्टो एसेट्स को करेंसी एक्सचेंज के वॉलेट में रख सकते हैं। वो लोग जो बैन के बाद भी डिजिटल करेंसी को रखना चाहते हैं, वो अपने क्रिप्टो एसेट्स को सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स में रख सकते हैं। ये डिजिटल डिवाइस माइक्रो एसडी की तरह काम करते हैं। सेल्फ कस्टडी डिवाइस जैसे लेजर, ट्रेजर, सेफपाल और बिटलॉक्स इन्वेस्टर्स के प्राइवेट बिटकॉइन की या कीज को स्टोर करके रखते हैं। पाबंदी लगने के बाद आप इन वॉलेट्स को वो विदेश में रह रहे अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है तो ये इन्वेस्टर्स को अपने एसेट्स बेचने के लिए कुछ महीनों का समय दिया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन संभव नहीं। डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो बैन करने के बाद भी लोग इसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज सिंपल कंप्यूटर कोड के पीस होते हैं जिसे बैन नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस पर एक रेगुलेटरी बैन लगाया जा सकता है। इनमें मेनस्ट्रीम यूजर्स को क्रिप्टो में ट्रेड करने में दिक्कत आएगी। भारत में ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करने का टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पता होता है। दूसरा बड़ा कारण जिस वजह से भारत में क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता है वो ये है कि देश भर में काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, लाखों लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। सभी डिजिटल कॉइन में बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और ज्यादा बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।